Hello students, good morning to all of you. Today we will continue discrete series. क्या continue करते हैं आज? Discrete series. हम क्या cover कर रहे थे? Mean deviation. तो हमने इससे previous वाले video में किया था mean deviations. Mean deviations from mean deviations from median. Median से क्या निकाला हमने? Mean deviations in discrete series. और आज हमें करना है mean deviations from mean. मीन से क्या निकालना है मीन डेविएशंस वही सेम क्वेश्चन है जिससे हमने क्या निकाला था मीडियन के थ्रू क्या निकाला मीन डेविएशन आज हम इसके थ्रू क्या निकालेंगे मीन डेविएशंस फ्रॉम मीन तो यहाँ पर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम फॉर्मूला मीन डेविएशंस फ्रॉम मीन किसके बराबर होता है समेशन एक्स माइनस मीन समेशन x माइनस मीन और f अपॉन समेशन f तो यहाँ देखो f हमारे पास है फ्रीक्वेंसी x सीरीज भी है बट जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट किसकी है मीन की किसकी रिक्वायरमेंट है मीन की तो हमें सीरीज से सबसे पहले क्या निकालना होगा सबसे पहले हमें मीन तो मीन का यहाँ डिस्क्रीट सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड से क्या फॉर्मूला होता है समेशन fx अपॉन समेशन f fx अपॉन समेशन f आप निकाल किसी भी मेथड से सकते हो चाहे आप डायरेक्ट मेथड का यूज करो शॉर्टकट मेथड का यूज करो या फिर आप स्टार डेविएशंस मेथड का यूज करो तीनों मेथड से मीन आप निकाल सकते हो मीन क्योंकि सेम आना है तो हम यहां निकाल रहे हैं डायरेक्ट मेथड से कौन से मेथड से निकाल रहे हैं डायरेक्ट मेथड fx क्या करना सबसे पहले fx 54 जा 20, 65 जा 30, 76 जा 42, 87 जा 56, 98 जा 72, 109 जा 90, 1011, 1110 जा 110, 1211, 1211 जा 12, and 1211 जा 12, 1211 31, 131, उसके बाद 13 12 बन जा 12 होता है 13 एंड 12 12 3 जा 36 12 बन जा 12 एंड 1 5 6 क्लियर हो गया तो ये हो जाएगा समेशन एफ एक्स क्या हो गया ये समेशन एफ एक्स हो गया तो अब यह हमें समेशन एफ एक्स से क्या करना है इसका टोटल करना है तो इसका टोटल करेंगे 6 टू 8 8 टू 10 एंड 10 8 18, 10, 8, 18, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15 and 7, 22, 22 and 9, 31, 31 and 4, 35, 35 and 5, 44, 4, 1, 5, 6 and 7, तो 7, 0, 8, 708, क्या आ गया, fx आ गया, 7, 0, 8 कितना आ गया, fx, F की वैल्यू जो हमने कल ही कैलकुलेट की थी कितनी वैल्यू आई थी 72 समेशन F समेशन F और अपॉन करेंगे 72 तो यहाँ वैल्यू आएगी 9.83 वैल्यू क्या आएगी 9.83 देखो ये 5 से ज्यादा है पॉइंट के बाद तो आप इसको क्या एज्यूम कर सकते हो 10 भी एज्यूम कर सकते हो इट मीन्स आप ये एज्यूम कर सकते हो कि मीन हमारा कितना आएगा 10 मीन की वैल्यू क्या होगी 10 अब यहाँ आपने मीन को क्या मान लिया 10 यहाँ वैल्यू निकालो डेविएशंस ऑफ मीन क्या निकालना है डेविएशंस ऑफ मीन एक्स माइनस मीन एक्स माइनस मीन ये एक्स सीरीज और ये क्या है मीन 5 माइनस 10 5 ध्यान रखना प्लस माइनस साइन क्या करनी है इग्नोर करनी है 6 5 जा सॉरी एक्स माइनस मीन तो डेविएशन करना है तो क्या है 10 माइनस 5 माइनस 10 5 4 3 2 1 0 1 2 एंड 3 क्या आ गया डेविएशन ऑफ मीन लेकिन रिक्वायरमेंट किसकी है समेशन एफ डेविएशन ऑफ मीन की तो अब क्या करना है एफ से इसको हमें मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी और डेविएशंस ऑफ मीन की क्या करनी है मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी ये है डेविएशन ऑफ मीन ये है
फोर फाइव जा 20, फाइव फोर जा 20, सिक्स थ्री जा 18, सेवन टू जा 14, एट वन जा 8, नाइन जीरो जीरो, टेन वन जा 10, इलेवन टू जा 22 एंड ट्वेल्व थ्री जा 36। क्या करना है हमें, टोटल करना है किसका, एफ डी मीन का। तो टोटल करेंगे 8, 4, 12, 12 एंड 8, 20, 20 एंड 8, 28, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 1, 7, 8, 9, 9 एंड 5, 148, कितना हो गया ये, 148 आ गया, क्लियर हो गया। अब इसके थ्रू क्या करें, इस फॉर्मूले में आप पुट कर दो, 148 अपॉन f कितना है 72, f कितना है 72, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, टू पॉइंट वन जीरो, तो जीरो हो जाएगा, 2.05 वैल्यू कितनी आई है, 2.05, क्लियर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन वैल्यू, एम डी मीन अपॉन मीन, अपॉन मीन, तो 2.05 अपॉन 10 करो, क्या हो जाएगा 0.25। तो यही वैल्यू किससे आई थी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से, और यहाँ यही वैल्यू किससे आई है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से। तो दोनों से वैल्यू कैसे सिमिलर, थोड़ा डिफर हो सकता था अगर आप इसको लेकर चलते, यहाँ जो वैल्यू है 9.83, अगर इसको राउंड फिगर में ना लेकर आप इसको पॉइंट में लेकर चलते तो आंसर कैसा था, थोड़ा डिफर, ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, बहुत थोड़ा सा रेयर क्या पड़ते हैं इसके ऊपर इफेक्ट्स पड़ते, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा मीन डेविएशंस फ्रॉम मीन। तो डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज हमारी हो चुकी है, डिस्क्रीट सीरीज अब हो चुकी है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर मीन डेविएशन, कि हाउ टू कैलकुलेट मीन डेविएशंस फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस सीरीज। mean deviations from continuous series, तो ये हमारे पास standard questions हैं, जिसके हिसाब से हम क्या करेंगे, mean deviations को calculate करेंगे। तो mean deviation from mean and mean deviation from median, तो सबसे पहले हम करते हैं mean deviation from median। तो mean deviation from median के लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें, इस f का CF, क्यों, क्योंकि यहाँ जब हम मीडियन निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकालनी होती है, nth वैल्यू इन क्लास इंटरवल, उसके बाद L1 plus n by 2 minus CF upon F into I into I, इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, पहले मीडियन, तो F का क्या निकाले, CF 4 6 4 10 10 10 20 28 और 30, कितना हो गया 33, 4 6 4 10 10 के बाद 20 और 20 से 8 कितना हो गया 33। अब हमें क्या करनी है, nth वैल्यू निकालनी, देखो 33 by 2, तो 33 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10, 16th वैल्यू आई, 16th पॉइंट 5th, तो 16.5 लाइक इसमें करता है इन 20, किसमें लाइक कर रहा है 20 में, ये क्या हो गया CF और ये क्या हो गया हमारा F, क्या हो गया F और ये क्या है क्लास इंटरवल। तो इस वैल्यू से पहले मीडियन निकालें, क्या कन्वर्ट करें मीडियन, तो M इज इक्वल टू, देखो लोअर लिमिट कितनी 140 प्लस N बाय 2,
एन बाई टू कितना है 16.5 माइनस सी एफ 10 अपॉन एफ 10 इंटू आई, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 20 का, कॉमन डिफरेंस कितना है 20, तो 0 से 0 कैंसिल, एम इज इक्वल टू 140 प्लस 16.5 माइनस 10 कितना हो गया 6.5 इंटू 2, तो 140 प्लस 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, तो 153 कितना हो गया 153 हमारा मीडियन आ गया। तो यहां तक तो कैसा है, जैसे हमने किसमें क्या था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीडियन निकाले कितना 153। अब हमें निकालना क्या है मीन डेविएशंस फ्रॉम मीडियन, इसका फॉर्मूला क्या होता है एफ, क्या होता है समीशन एफ फॉर डेविएशंस ऑफ मीडियन अपॉन समीशन एफ। तो अब क्या चाहिए हमें एफ ओ डी एम, तो पहले क्या करना होगा यहां हमें इसकी क्या निकालनी है मिड वैल्यू, क्या निकालनी सीरीज की मिड वैल्यू हमें निकालनी है। तो मिड वैल्यू के अंदर 100 प्लस 120 तो 220 अपॉन 2 कितनी हो गई मिड वैल्यू 110, 130, 150, 170 एंड 190 कितना क्लियर हो गया। देखो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया है यहाँ पर मीडियन, अब मीडियन के बाद हमें ये वैल्यू चाहिए एफ डी एम, मतलब कि मीडियन का भी डेविएशन, तो उसके डायमेंशन के लिए हमें x सीरीज चाहिए क्योंकि क्लास इंटरवल में से हम क्या नहीं कर सकते उसको माइनस नहीं कर सकते, तो इस साइज का क्या निकालना है हमें मीडियम निकालना है, मिड वैल्यू निकालनी, तो मिड वैल्यू हमने निकाल ली और हर बार की फर्स्ट कितने 110 और 20 का डिफरेंस उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है डेविएशन ऑफ मीडियम, क्या निकालना है डेविएशन ऑफ मीडियम, तो डेविएशन ऑफ मीडियम में हमारा मीडियन कितना आया है 153, कितना 153 वैल्यू क्या होती है x माइनस 10, तो 110 माइनस 153 43 कितना हो गया 43, 130 माइनस 153 तो 23 यहाँ पर 3, 170 माइनस 153 71 और यहाँ पर 7 कितने हो गए 8 माइनस 37 क्लियर हो गया। ये आ गया डेविएशंस ऑफ मीडियन, क्या है डेविएशंस ऑफ मीडियन। अब हमें क्या निकालना है यहाँ एफ डेविएशंस ऑफ मीडियन, एफ फ्रीक्वेंसी को इसके साथ क्या करना है अब हमें मल्टीप्लाई, 4 को 43 से 4 थ्री जा 12, 4 4 जा 8, 8 1 9, 92, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 12 1 13, 138, 10 3 जा 13, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 8 5 13, ठीक है, 5 7 जा 5 7 जा 35, 5 3 15, 15 and 3, 181. क्लियर हो गया, ये आ गया हमारा 581 आ गया, कितना है 581, कहीं मिस्टेक्स हुई है इसमें, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 and 7, ये मिस्टेक हुई थी। तो क्या हो गया 8 2 10, 10 and 11 21, 7 2 9, 9 3 12, 12 and 3, 12 and 3, 15, 15 and 3, 18, 18 and 8, 16, sorry, 18 and 8, 26, 2, 1, 3,
फोर फाइव एंड सिक्स, वैल्यू कितनी आ गई 661। अब यहाँ पर क्या करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है 661 अपॉन एफ, जो फ्रीक्वेंसी उसका टोटल कितना है 33। तो 33 से करेंगे 33 टू जा 66 पॉइंट, फिर जीरो, फिर थ्री, तो 20.03 कितना आया 20.03। फिर क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो यहाँ एमटी मीडियन अपॉन मीडियन की वैल्यू, तो 20.03 अपॉन मीडियन कितना था 153। आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्व हो जाएगा, जिसका आंसर 0.1309 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमने कैलकुलेट किया है क्या कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज से आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, क्या मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सभी को समझ आ गया होगा। अब है इसके बाद जो नेक्स्ट है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के अंदर क्या करना है, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होगी वो किसकी होगी, मीन की। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है तो रिक्वायरमेंट किसकी होगी, सबसे पहले मीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको इससे क्या निकालना होगा, मीन कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा, मीन। तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे इसका, इसकी मिड वैल्यू, क्या निकालोगे मिड वैल्यू। क्योंकि इस मेथड में सबसे अच्छा क्या है, सुटेबल तरीका क्या है, जब शॉर्टकट मेथड से या स्टेप डायरेक्शन मेथड से पहले क्या निकाल लो, मीन निकाल लो, जिसमें फॉर्मूला हमारा क्या होता है मीन का, ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ डी टू एल। बेटा यहाँ मीन, मोड और मीडियन के फॉर्मूले तीनों ही मेथड से आने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया था। विदाउट मीन, विदाउट मोड, विदाउट मीडियन आप इस डेविएशन को, डिस्पर्शन चैप्टर्स को नहीं कर पाओगे। पार्टीशन वैल्यू का क्वार्टेंस, हाँ क्या हो रहा है, क्वार्टेंस यूज हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एम हमने क्या निकाली इसकी, मिड वैल्यू 100 प्लस 120, 220, तो कितना हो गया 110, 130, 150, 170 एंड 190, ये आपकी क्या आ गई मिड वैल्यू आ गई। अब क्या चाहिए आपको, देखो एफ डी डेविएशन चाहिए, अब इसको आपको डेविएशन निकालना है, तो डेविएशन से निकल जाए, वो आपको डेविएशन नहीं, ये डेविएशन अलग है, वो किसका है मीन का डेविएशन, ये ओनली एक्स सीरीज का डेविएशन है, एक्स सीरीज का डेविएशन एक्स माइनस ए। आपने यहाँ 150 क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि ए है, तो 110 माइनस 150 40 माइनस, ये इग्नोर नहीं करना है, मीन को कैलकुलेट करोगे तो प्लस माइनस को इग्नोर नहीं करोगे। हाँ जब डेविएशंस ऑफ मीन आप निकाल रहे हो उस टाइम आप प्लस माइनस को इग्नोर कर सकते हो, तो 130 में 150 20 कर सकते हो, नहीं करना ही है 0 20 एंड 40। क्लियर हो गया? अब क्या करना है डेविएशन का, डी डैश, तो x माइनस ए अपॉन i, कॉमन डिफरेंस कितना है 20 20 का, तो 40 अपॉन 20, तो 2 1 0 2 एंड 1। एफ डी डैश, एफ डी डैश 4 टू जा 8, 6 वन जा 6 0, 8 टू जा 16 और 5 वन जा 5। क्लियर हो गया? समेशन एफ डी डैश 8 6 माइनस 14 16 एंड 5 21, कितना आ गया 21 14, एफ डी डैश क्या आ गया 7। क्लियर हो गया सभी को? हाँ भाई 16 8 हो गए, तो यहाँ 8 बच गया, 8 प्लस 2 5 टू 7। यहाँ मीन की वैल्यू कैलकुलेट करो, पहले ए एज्यूम कितना किया था आपने, 150 को एज्यूम किया, एफ डी डैश, एफ डी डैश है वो आपका कितना आया है 7, एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो हमारा कितना कैलकुलेट हुआ था 33,
इंटू आई 20, 150 प्लस 7 अपॉन 7 टूजा करेंगे तो 140 अपॉन 33, तो 150 प्लस 33 से क्या करो इसको आप डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4.2, तो ये आ जाएगा 154.2। इतनी आ गई वैल्यू, मीन कितना आ गया 154.2। और आप इसको किस में ले सकते हो, राउंड फिगर के अंदर ले सकते हो, तो मीन हमारा कैलकुलेट हो गया। अब इसका कोई भी यूज नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इरेज यहां कर सकते हो, नॉट में इरेज नहीं करना है। अब क्या करें, 154.2 क्या आ गया मीन, अब क्या निकालो डेविएशंस ऑफ मीन, क्या निकालो डेविएशंस ऑफ मीन, जहां x माइनस मीन होगा, क्या होगा x माइनस मीन, तो x सीरीज आपको गिवन है, मीन आपने कैलकुलेट कर ली, तो राउंड फिगर में करो 154 ही मान लो, क्योंकि 0.2 है तो 154 ही माना जाएगा। 110 माइनस 154 तो कितने हो जाएंगे 44, कितने 44, 130 माइनस 154 24, 150 माइनस 4 170 माइनस 154 6 माइनस 5 1, तो यहां 36। अब क्या निकाल लो एफ डी डेविएशंस ऑफ मीन, एफ डेविएशंस ऑफ मीन यहां पर निकालो, तो एफ डेविएशंस ऑफ मीन निकालोगे वहां इसको क्या करो मल्टीप्लाई, 4 4 16 4 16 24 6 2 12 12 14 10 4 40 10 4 40 8 6 128 5 36 1. अब इसका क्या करो टोटल एफ डी मीन, तो 6 4 10 10 8 18 7 1 8 8 4 12 12 1 4 16 16 and 2 18 18 and 8 26 2 1 3 4 5 and 6 668, कितना आ गया 668। यहाँ वैल्यू आप पुट कर दो, 668 अपॉन एफ कितना है 33, करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड, 33 टू जा 66, पॉइंट आएगा 0, फिर 0 कितने पर जाएगा 2 पर। आप क्या निकाल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, एम डी मीन अपॉन मीन, तो 20.02 अपॉन 154, तो 0.138 आ गया, क्लियर हो गया। सो ये हमने क्या कैलकुलेट किया है मीन डेविएशन, हमने क्या सिखाया मीन डेविएशंस थ्रू द इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटीन्यूअस सीरीज। अब है कि इस जो सीरीज है हमें के मीन डेविएशंस है उसके कुछ मेरिट्स और कुछ क्या है डीमेरिट्स। सबसे पहले है कि मेरिट्स में क्या सिंपल, जो मीन डेविएशन है बहुत ही सिंपल है, ये कहना गलत है, ऐसे तो देखिए तो कैसा है, गलत है क्यों, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत शार्पली है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, इतना सिंपल नहीं है, बट क्या मानते हैं मीन डेविएशन है वो कैसे हमारा सिंपल, मतलब कैलकुलेट करने में सिंपल है। दूसरा बेस्ड ऑन ऑल वैल्यू, देखो जो मीन डेविएशन है वो हमारी सीरीज की सभी वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है, क्यों, क्योंकि पहले मीन निकाला, पहले एवरेज निकाला, फिर एवरेज को भी हमने क्या किया उसका भी डेविएशन निकाल दिया, तो सारी ही वैल्यूज के अंदर क्या होती है इंक्लूड होती हैं, मतलब किसी वैल्यू को आप यहाँ पर छोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं किसी वैल्यू को यूज नहीं हुआ, उस सभी का क्या होना यूज, क्योंकि जब आपने मीन और मिडिल यूज कर लिया तो ऑल वैल्यूज आर बेस्ड। लेस इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, अगर कोई और दूसरी वैल्यू एड होती है तो इफेक्ट पड़ेगा, बट कैसे इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ही कम इफेक्ट पड़ेगा, जो वैल्यू आएगी उसके अंदर रेयर कोई भी इफेक्ट पड़ता है इसका। अब डीमेरिट्स क्या है, इनएक्यूरेसी, क्या है इनएक्यूरेसी, ये जो रिजल्ट निकल कर आया है ना ये हमारा कैसे इनएक्यूरेट रिजल्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस को क्या करते हैं इग्नोर करते हैं, जबकि हम ये कहें मैथमेटिक्स के अंदर तो जो स्टैटिक्स सब्जेक्ट है स्टैटिक्स क्या एक तरह से मैथमेटिक्स है,
प्लस माइनस वैल्यू की तो बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, बट उन्होंने तो प्लस माइनस को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। इसलिए जो रिजल्ट है उसके अंदर हमें क्या लगता है, डाउट लगता है कि नहीं रिजल्ट के अंदर कोई ना कोई क्या है कमी है, जो इन एक्यूरेट है प्लस माइनस को क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है। अगर नॉट कैपेबल फॉर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ये एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल नहीं है, केवल न्यूमेरिकल डेटा के थ्रू आप क्या निकाल सकते हो यहाँ पर, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आप कैलकुलेट कर सकते हो। अनरियलाइजेबल जो रिजल्ट है इसका कैसे है, अनरियलाइजेबल क्योंकि ये केवल रिजल्ट किससे निकल रहा है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। बट कह तो कह रहा है कि मोड से निकल सकता है, लेकिन मोड की वैल्यू तो हमेशा कैसी होती है, अनसर्टेन वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, अनसर्टेन, और अनसर्टेन वैल्यू का मीन डेविएशन निकालना इट मींस रिजल्ट इज अनरियलाइजेबल। रिजल्ट कैसा आएगा, अनरियलाइजेबल आएगा। तो ये इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो आज हमारा मीन डेविएशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चंस आपको करने, अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो प्लीज आप उसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे सेंड करो जो भी प्रॉब्लम्स है, फिर मैं आपकी न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको बनाऊंगी। क्लियर।